खरगोन जिले की महेश्वर जल विद्युत परियोजना के सभी समझौते रद्द होने के बाद डूब प्रभावित गांवों में फिर से बुनियादी सुविधाएं देने की मांग उठने लगी है। मंगलवार को ग्राम पिटामली के रहवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां सौंपे मांग पत्र में गांव में घर घर पेयजल पाइपलाइन सहित पीएम आवास जैसी महती योजना का लाभ दिलाने की मांग की। गाँव के तुकाराम साध, काशीराम पवार, अनिल बारेला, प्रेम सिंह बारेला, प्रेम लाल आदि ने बताया कि हमारी मांग है कि पीने को पानी दो, रहने को पीएम आवास दो। पंचायत के बाद राशि होने के बाद भी गांव में विकास कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। करीब 3000 आबादी वाले गांव में पुनर्वास कॉलोनी में पेयजल सहित अन्य सुविधाओं के लिए लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं। शासन ने हमें डूब प्रभावित घोषित कर सभी आवश्यक सुविधाओं से वंचित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ग्राम पंचायत पिटामली से हैं हम। हमारे यहाँ के जितने भी अभी पुनर्वास्थल में बसे हैं उनमें करीबन 15 साल से पानी की व्यवस्था नहीं है, और पानी नहीं होने के कारण वहाँ की करीबन 70-80% आबादी काफ़ी तकलीफ में है। इसलिए उनको पानी के लिए हम कलेक्टर साहब के पास आवेदन लेके आए हैं कि पानी की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है और पानी की व्यवस्था ना होने के कारण महिलाएं भी पानी से अवंचित हो रही है, बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और आज प्रधानमंत्री मिशन जल नल योजना चलने के बावजूद भी कभी बगैर पानी के गाँव रहता है, तो प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि कम से कम कारण है कि नल जल योजना नहीं आ रही गांव में। नल जल योजना का कारण ये है कि पुनर्वास में जो लोग बसे हैं उन्होंने कोई सुविधा नहीं करी थी, बट ग्राम पंचायत में इतना फंड है कि हम लोग कर सकते हैं, तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि कम से कम उसकी परमिशन दी जाए तो हम वहाँ पर योजना लगा सकें और उन लोगों को जल्द से जल्द पानी मुहैया करा जाए। दूसरी समस्या हमारी ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 25,000 रुपीज़ लोगों के खाते में डल चुके हैं। कुछ लोगों ने पुनर्वास के जो प्लाट नहीं है, जहाँ पर अन्य स्थिति खाली रिक्त स्थान है, वहाँ पर प्लाट बना चुके हैं और वहाँ पर 10 से 15 लोगों के करीबन 30-40% मकान बन चुके हैं और उनकी किस्तें रुक गई है। तो प्रशासन से यही निवेदन है कि कम से कम वो किस्त जारी की जाए और उन लोगों को भी वो भूखंड आवंटन करने के बाद उन लोगों को वहाँ रहने की प्रधानमंत्री आवास योजना में बाध्यता मिली जाए। दूसरी चीज़ ये हमारे यहाँ हो रही है कि शमशान घाट, काफ़ी शमशान घाटों की भी समस्या आ रही है, इसलिए हमारे जनपद सीईओ साहब से या किसी से भी उच्च अधिकारी बात करके वहाँ जल्द से जल्द व्यवस्था कराए, जैसे घाट की समस्या है। ज़्यादा तो सबसे बड़ी समस्या हमारे पानी और प्रधानमंत्री आवास वालों की समस्या है। पिपलिया से सतगाँव से लोग भी आते हैं। हाँ, काफ़ी लोग आते हैं, मतलब शमशान घाट में करीब 25-40 गाँव लगे हुए हैं। नर्मदा तट पर गाँव बसा हुआ है, पिपला तुलसी जिनका नाम आता है नर्मदापुरण में, इसलिए वहाँ की भूमि होने का नर्मदा प्रकमावासी आते हैं। उसके बाद कई बार वो बोलते हैं कि गांव में नर्मदापुरण एक शिवलिंग बसा हुआ है, उसके बावजूद आपके यहाँ इतनी व्यवस्था ना होने के कारण क्या है। इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय से हम जन सुनवाई में एक ये मांग लेके आए थे कि कम से कम स्वच्छ रहे हमारा गाँव और एक तरीके से पूरा ये हो। एक सरपंच प्रतिनिधि तुकाराम साथ ग्राम पिटामली समस्त कार्यकर्ताओं के साथ आया हूँ और जो भी जनमानस जो पब्लिक है उनके साथ आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुकाराम साथ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।